पिछले साल शुरू हुए सोनी सब के शो पुष्पा इम्पॉसिबल के कलाकार आज इंदौर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही पुष्पा धारावाहिक समाज की अशिक्षित महिलाओं के लिए एक मिसाल भी बना। धारावाहिक की जो स्टोरी है वहां एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसे पर ये पुष्पा इम्पॉसिबल धारावाहिक शुरू किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पुष्पा इम्पॉसिबल का प्रसारण पिछले साल जून में शुरू हुआ था और अब ये देश भर के दर्शकों में लोकप्रिय है। इस शो की मजबूत और उत्साही नायिका पुष्पा का किरदार हरवन मोला एक्टर करुणा पांडे निभा रही हैं। गुजरात की रहने वाली और खुद के दम पर एक बिजनेस वूमेन बनी तीन बच्चों की माँ पुष्पा की कभी हार ना मानने वाली सोच और लाख टके की मुस्कुराहट ने उसे सम्मान दिलाया है। पुष्पा इम्पॉसिबल के एक्टर्स करुणा पांडे, जयश मोरे और गरिमा परिहार आज इंदौर पहुंची, साथ ही धारावाहिक में हो रहे बदलाव को लेकर मीडिया से चर्चा की। पुष्पा इम्पॉसिबल धारावाहिक की स्टोरी अशिक्षित महिला के ऊपर आधारित है। धारावाहिक में पुष्पा का सामना अब उसके अतीत से होने जा रहा है। पुष्पा की भूमिका के बारे में करुणा पांडे ने कहा कि पुष्पा की जिंदगी उस मजबूती और दृढ़ता का सबूत है जो महिलाएं मुश्किल हालातों में दिखाती हैं। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे मजबूती से खड़ी हैं और अपने प्यारे लोगों से उसे अटूट समर्थन मिलता है। ऐसा ही समर्थन उसकी बहू दीप्ति का है जो सारे संघर्षों में उसे राहत और हिम्मत देती है। किस्मत दिलीप को उसकी जिंदगी में लेकर लौटी है और पुष्पा की मजबूती और दृढ़ता की एक बार फिर परीक्षा होगी और मैं इंदौर के दर्शकों को उसके सफर के बारे में बताएगा। पुष्पा में जैसे कि आपने अभी देखा, मैं दिलीप पटेल का कैरेक्टर कर रहा हूँ। दिलीप पटेल जो बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था, उसे एक ही चीज़ में इंटरेस्ट था, पैसा कमाना, सही गलत किसी भी तरह से। पुष्पा से उसकी कभी बनी नहीं क्योंकि पुष्पा बहुत ही ईमानदार और मेहनतू औरत। क्या कुछ खास आप लोग यहाँ पर लेकर आए थे, किस उद्देश्य? अरे, हम इसी उद्देश्य से आए थे कि पुष्पा इम्पॉसिबल को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें और उसको और सशक्त बनाएं, इसी उम्मीद से हम इंदौर में आए हैं। हमें बहुत उम्मीद है इंदौर की जनता से, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है जहाँ पर शुद्ध हिंदी बोली जाती है और हमारा शो भी हिंदी में है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ प्रमोशन करना हम बहुत टाइम से ड्यू था, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो जिस तरह के सवाल आप लोग पूछते हैं बहुत कमाल के लगते हैं। और मैं समझती हूँ कि यहाँ पर ऑडियंस को वो समझ है कि वो हमारे शो की जो सच्चाई है उस वो समझ पाएंगे उसको। देखिए, एक महिला जो कि 40 क्रॉस कर चुकी है, उसका दोबारा शिक्षण, वो जीवन में क्या कर सकती है आगे, अकेले बच्चों को पाल के भी यहाँ तक आके वो पढ़ाई कर रही है, उसके बाद वो क्या व्यापार में आगे बढ़ेगी, कैसे अपने ऐसे मतलब ऐसे व्यक्ति का सामना करेगी जिससे वो कभी जो उसके पति थे और उसके बच्चों के बाप हैं, लेकिन फिर भी एक उनके बीच में एक क्या बोलते हैं दीवार है बहुत बड़ी, तो कैसे उनका सामना करेगी, कैसे व्यापार में आगे बढ़ेगी, कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे बच्चों को अपने साथ संजो के रखेगी, तो बहुत सारी चीजें।